चलिए सभी लोग को गुड आफ्टरनून अभिषेक सत्यम जय श्री राम सभी लोग को गुड आफ्टरनून देखिए आज ये क्लास काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगा आपका और इस क्लास से आपको जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है एग्जाम में उसका बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगा तो आप इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे एकदम पूरा टोटली फोकस आपको मोबाइल के स्क्रीन पर होना चाहिए ठीक है हाँ तो आइए स्टार्ट करते पहले एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब रोड हम लोग बनाते हैं और उस रोड में जब हम कर्व प्रोवाइड करते हैं यानी कर्व देते हैं या कर्व का सेटिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से बात बोला जाता है और उस बात का टेक्निकल मीनिंग क्या है सर टेक्निकल मीनिंग क्या होता है बार बार बोल रहे हैं अरे इंजीनियर की भाषा क्या है वो इंजीनियर बोल रहा है उसका मतलब क्या है ठीक है ना वही होता है टेक्निकल मीनिंग या ठीक है ना हाँ चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आइए यहां पे लिखेंगे देखो यहां पे लिखेंगे इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म कर्व कर्व हम लोग कौन कौन से टेक्निकल टर्म का यूज करते हैं ठीक है हाँ अच्छा एक चीज बताओ कि जब हम इधर से ये कोई रास्ता जा रहा है सर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम बहुत शानदार और शांति इंसान है ये रास्ता है दूसरा रास्ता हमारा ये है एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा एक चीज बताओ ये कर्व ना लिख करके हम लोग पूरा बढ़िया से लिखें इज्जत देंगे ना इसको तो लिखेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व हम लोग जो भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व की बात करेंगे ठीक है ना शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एस सी सी सिंपल सर्कुलर कर्व ठीक है यस सर मान लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा जरा बताओ हम देखो फिगर थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं हम्म आप बड़ा बना दो बना दो आप ही के ऊपर है ये सेमेस्टर समझ जाओ ठीक है ना देखो इसको बोल रहे हैं अलाइनमेंट क्या बोल रहे हैं सर बोलो अलाइनमेंट बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं और इसको भी बोल रहे हैं अलाइनमेंट और हमको यहां पे अब डायरेक्शन को क्या करना है चेंज करना है अब जरा आप लोग बताइए बहुत बढ़िया अब जरा बताइए कि हमको यहाँ पे डायरेक्शन को मुझे चेंज करनी है अब बताओ कि हमने काम कहां से स्टार्ट कर रहा है यहां से इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं सर्वे में और यहां पे जाकर के हमको कर् को क्या करना है सेटिंग करना है यानी यहाँ पे हमें कर्ब प्रोवाइड करनी है क्या करनी है बोलो प्रोवाइड करनी है जहाँ जोर से चिलई दम दस बारह को आकर दो तीन थोपी नहीं लगाएगा तो फिर पढ़ाई किस बात की ऑनलाइन है बहुत। इसको हम लोग इसे बोलते हैं कर्व इसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्व अच्छा ये कर्व है तो किसी न किसी एक सर्किल से ये और बनाया गया होगा एकदम सर एक किसी ने किसी एक सर्किल से आर्क बनाया गया होगा तो इस सर्किल से जो आर्क बनाया गया होगा उसका कहीं ना कहीं आपकी सेंटर होगी कि नहीं होगी बोलो कहीं ना कहीं सेंटर होगी ना यस सर सेंटर होगी इसको बोलते हैं सेंटर पिटवा देंगे सर हाँ तो पिटाना ही तो है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्व अपना मन हरियर होगा पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा अच्छा बताओ यहाँ पे ये वाला कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह से स्टार्ट हो रहा है तो जिस जगह से काम कर्व स्टार्ट होता है ना उस जगह को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व क्या बोलते हैं सुगा पॉइंट ऑफ कर्व याद रखिएगा जिस जगह से कर्व स्टार्ट होता है उस जगह को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व कर्व बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है कर्व कहीं ना कहीं तो खत्म होगा कि नहीं होगा होगा तो जहां पे कर्व खत्म होता है उसको बोलते हैं पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ टेंजेंसी टेंजेंसी ठीक है अच्छा बताओ पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाने वाली दो रेखा कितनी रेखा दो रेखा रेखा नंबर फर्स्ट ये है दो रेखा कौन कौन रेखा नंबर फर्स्ट, फर्स्ट और रेखा नंबर क्या बात हुआ? रेखा नंबर फर्स्ट रेखा नंबर सेकेंड रेखा नंबर फर्स्ट की डायरेक्ट एक, एक स्ट्रेट पाथ से मिल जाए रेखा नंबर सेकंड एक कर्व पाथ के लॉन्ग मिले है कि नहीं हम अगर आपसे एक सवाल पूछे कि पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाने वाले कितने लाइन तो आपके सवाल की जवाब होनी चाहिए दो लाइन एक तो सीधे-सीधे मिल रहा है और एक वो घूम करके मिल रहा है ठीक है ना तो ये जो घूम करके मिल रहा है उसको अलग नाम है और जो सीधे-सीधे मिल रहा है उसे अलग नाम है इसको बोलते हैं कोड क्या बोलते हैं हिंदी वाले लोग उसको बोलते हैं जीवा क्या बोलते हैं जीवा तो यहां पे बड़े ध्यान से समझिएगा इसको बोलते हैं लॉन्ग कोड क्या बोलते हैं लॉन्ग कोड अच्छा जितना लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे अगर यहां से यहां मान लिया कि चार मीटर है इसका मतलब तुम क्या समझा हाँ इस लॉन्ग कोड का लेंथ कितना है चार मीटर है ठीक है चलो सर मान लिया बोलो यहां तक समझने में कोई की दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलो डाया बोले अरे कौन एंगल से तू डाया बोलेगा ये जब रेडियस है तब है तो आ सामने लव कुश आ सामने तुम ठीक है चलो अब एक चीज बताओ कि यहां से एक, एक यहां से एक लाइन पास करेगा इस जगह से जो लाइन पास करता है उसको क्या बोलते हैं और यहाँ से एक लाइन पास करेगा टच करते हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो सुन लो जो पॉइंट ऑफ कर चलो छोड़ो इसको तो हम लोग हम लोग ऐसा जानते हम लोग कैसा जानते हैं ऐसा जानते हैं जानते है? ऐसा जानते है कि, कि किसी भी सर्कुलर ऑर्क पर या किसी भी सर्किल के किसी एक पॉइंट से टच करके जाने वाली लाइन उसकी टेंजेंट होती है होती है कि नहीं ये भी टेंजेंट हो अगर यहाँ से खींचे तो भी टेंजेंट हो तो यहाँ से खींचे तो भी लेकिन हम खींचे कहाँ से छुआ करके कहाँ से स्पर्श करके जा रहा है तो पॉइंट ऑफ कर्व से और दूसरा पॉइंट ऑफ और दोनों कहाँ पे मिल रहा है इस जगह पर मिल रहा है अच्छा जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोलते हैं बोलते हैं ना जहाँ पे जाकर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये जो यहां से यहां तक ये लेंथ हुआ ये जो लेंथ हुआ इसको बोलेंगे टेंजेंट लेंथ क्या बोलेंगे टेंजेंट अच्छा एक चीज बताओ इस टेंजेंट का पहले नाम जानो कर बाद ना लेंथ उनके बारे में जानेंगे है देखो इसको बोलते हैं फोर टेंज, इसको बोलते हैं बैक टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं बैक टेंजेंट और इसको बोलते हैं फोर टेंजेंट क्या बोलते हैं फोर याद रखिएगा इसको बोलते हैं बैक टेंजेंट और इसको क्या बोलते हैं फोर टेंजेंट ठीक है चलो अब यहां से यहां तक ये यह इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कर्व के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ बोलो टेंजेंट लेंथ बोलेंगे क्या बोलेंगे तो सर यहां से यहां तक क्या बोलेंगे टेंजेंट लेंथ तो सर हम इसको कंसीडर करेंगे टेंजेंट लेंथ में कि इसे कंसीडर करेंगे दो सवाल हम बोल रहे हैं कि टेंजेंट लेंथ यहां से यहां तक भी क्या बोल रहे हैं टेंजेंट लेंथ एकरा एकरो बोल रहे हैं टेंजेंट लेंथ तो केकरा कंसीडर करेंगे तो एक खास बात यह है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं किसी का भी कंसीडर कर लो क्लास अभी तुरंत स्टार्ट हुआ कुमारी ठीक है हाँ। आप चीजों को समझना से कि इतना चीज तो हम लोग सीख लिया देखो ये वाला अगर ये अलाइनमेंट सीधे जाता तो उधर जाता बोर्ड के पार जाता लेकिन यहां से ये भटक गया क्या क्या किया भटक गया यहाँ से क्या हुआ ये अगर ऐसे चलते जाता जाता रास्ता आगे बढ़ जाता सीधे जाता तो रास्ता कहाँ बढ़ जाता इधर उधर क्या सोच रहा है छुटकारा है यहां से ऐसे जाता तो वो सीधे आगे चला जाता लेकिन गया बोल कि अगर इसे स्टार्ट किया पढ़ना उस स्पीड से पढ़ते रहता तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होता लेकिन थोड़ी पढ़ता है भटक जाता है ना तो भटकवे ना करेगा ठीक है ना तो यहाँ पे जब यह रास्ता सीधे जा रहा है तो ये भटक गया यहाँ से क्या हुआ भटक गया तो इस एंगल को बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल बात और बताइए सर कि जब ई वाला भटक गया तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल तक तो काटा तो भी तो एंगल बन रहा है तो ओकरा हम कौची बोलेंगे तो ओकरा बोलेंगे इंटरसेक्शन एंगल क्या बोलेंगे इंटरसेक्शन अगर इंटरसेक्शन एंगल को हम काची से रिप्रेजेंट करते हैं फाई से और डिफ्लेक्शन एंगल को काची से डेल्टा से तो अगर हम ऐसा बोले फाई क्या है और डेल्टा क्या है तो फाइ क्या है सर बोलो डिफ्लेक्शन एंग सॉरी एंग इंटरसेक्शन एंगल है और डेल्टा क्या है डिफ्लेक्शन एंगल है अगर हम एक चीज हम आप लोग को बिना बताए लिख दें कि डेल्टा प्लस फाइव इज इक्वल टू तो वन एटी डिग्री तो क्या मजाक चल रहा है कि सही है मजाक नहीं ना चल रहा है नहीं सर सही है क्योंकि दोनों एक लाइन पर बन रहा है अगर ये बात हम लिख दिए तो बोलो कितने लोग को ये बात सही लग रहा है जरा बताओ तो कमेंट में कि डिफ्लेक्शन एंगल और इंटरसेक्शन एंगल में जो रिलेशन है बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन फाइ एंड डेल्टा क्या ये बात सही हमने लिख दिया सर नीचे कीजिए दिखाई तो पड़ रहा है सही है हमने गलत नहीं लिखा चलो एक चीज तो आपको समझ आ गया इतना बात देखो एक होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं और एक होता है यहां से यहां तक के डिस्टेंस एक हम बोल रहे हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं और एक होता है देखो बड़े ध्यान से सुनना सुनते सुनते गाना मत सुनने लगना ठीक है यहां से यहां तक के इसको क्या बोलेंगे देखो दो चीज है हम बोल रहे हैं चीज नंबर फर्स्ट ये वाला यहां से यहां तक क्या बोलेंगे और यहां से यहां तक क्या बोलेंगे ठीक है ना इस वाले ये वाला को बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट मिड ऑर्डिनेट कहां होता है द लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड के मिड और आर्क के मिड दोनों को मिलाने वाले लाइन जॉइनिंग को क्या बोलेंगे मिड ऑर्डिनेट क्या बोले हम लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड के मिड पॉइंट और ये वाला आर्क का यानी कर्व का मिड पॉइंट दोनों को जो जोड़ने जो वाली है लाइन जॉइनिंग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट सर ये वाला क्या बोलेंगे ब्लू का के इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस या इसी को बोलते हैं अपेक्स डिस्टेंस क्या बोलते हैं अपेक्स एपेक्स रुक जाओ अपेक्स डिस्टेंस उम्मीद है आप लोग को बहुत सारे चीज यहाँ पे समझ आया होगा अभी इतना चीज हम लोग धीरे धीरे नाम जाने हैं ठीक है अगर छोटा सा फिर से रिकॉल करा दे तो यहाँ से ये वाला पॉइंट को हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं लेकिन यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ऑफ कर्व यहाँ पे खत्म हो रहा है उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ से इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं लेंथ 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 ऑफ 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 टेंजेंट 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 से यहां को बोलते हैं दोनों आपस में बराबर होगा कब जब सिंपल सर्कुलर कर्व रहेगा हम लोग पढ़ क्या रहे सिंपल बराबर रहेगा कि नहीं होगा एकदम होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो इसको इसको बोलते है, इसको बोलते हैं हैं डिफ्लेक्शन एंगल और इंटरसेक्शन एंगल दोनों के रिलेशन क्या होता है दोनों एक दूसरे को एक सौ अस्सी डिग्री होता है बोलो ये वाला लाइन को बोलेंगे लेंथ ऑफ लॉन्ग इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट ठीक है, है ना इसको ओ ओ नॉट अच्छा चलो ठीक है बोलो यहाँ तक क्लियर है हम आगे बढ़े पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कर्व सेम नहीं होगा जहां से पॉइंट कर्व स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए हम इधर से कर्व देना स्टार्ट किए हमारा प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है तो हमारा पॉइंट ऑफ कर्व ये होगा अगर हमारा प्रोपोगेशन डायरेक्शन ये है तो पॉइंट ऑफ कर्व यहाँ होगा वो है सर्वे करने का डायरेक्शन किधर है समझ आया हाँ समझे प्रकाश जी कुछ लाइट गया कि सेड़ों में है जिंदगी चलो कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा छोटू कीजिए नहीं तो नीचे कीजिए अब दोनों काम हम कर दे रहे हैं लो सर एक बार फिर से समझा दीजिए एक बार नहीं भी कम से कम दस बार समझाएंगे आप टेंशन का ले रहा हाँ रेतु देखो अब हम एक एक करके सबका डिफाइन करते हैं और चीजें को समझाना स्टार्ट करते हैं पहला चीज चीज नंबर फर्स्ट ये आपका चीज नंबर फर्स्ट है आप लोग हेडिंग बनाओगे फ्रेश फ्रेश और यहाँ पे है आपको एलिमेंट्स एंड नोटेशन ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व तो देखो जैसे जैसे हम छापेंगे बस उसी तरह से आप लोग क्या करना है छापना है बस यही बात तो है आप लोगों को ये क्या है सर कर्व है अब ये कर्व है तो ये कर्व कौन सा पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई पड़ रहा है और यह कर्भ कौन सा पॉइंट है लास्ट पॉइंट ठीक है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कर्वेचर कर्व बोलो पॉइंट ऑफ कर्व बोलो देखो या पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोलो या पॉइंट ऑफ कमिशमेंट बोलो ठीक है ना हाँ तो वही चीज है पॉइंट ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन कर रहे हैं ऋतु ध्यान से सुनना हम बोले थे कि दस बार बताएंगे गिनना दो बार हो गया दो बार पहले हो गया चार बार पांचवा बार होगा गिनना दस बार पॉइंट ऑफ कर्वेचर देखो इसको और भी नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ तो जानते ही हैं। सॉरी पॉइंट ऑफ कर्व अच्छा कर्वेचर लिखे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कर्व लिखे अगर यहाँ पे कर्व लिखते तो यहां कर्वेचर लिखते ठीक है ना हाँ तो पॉइंट ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ कमिशमेंट ठीक है हाँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं से PC से ऑफ कर्वेचर अगर हम इस पॉइंट ऑफ कर्वेचर को लिखने की कोशिश करें सिंबल के फॉर्मेट में तो ये सब ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे भी लिखेंगे ये वाला पॉइंट को हम लिख देते पीसी इसका मतलब आपको मन ही मन समझना होता कि ये पॉइंट ऑफ कर्वेचर को बता रहा है मन की आंखों से ये सब कुछ दिख रहा है ये अपनी आंखों से दिख रहा है ठीक है हाँ, चलो महेश कुमार हम एक चीज बताएं, आप कहा थे हम पढ़ रहे हैं सिंपल सर्कुलर कर्व और उसमें पॉइंट हम सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ रहे हैं उसमें बैक टेंजेंट और फोर टेंजेंट दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं सिंपल सा बात है हो भी करता है बराबर हो कैसे जाएगा कंफर्म होगा चलो इसको इसी तरह से कॉपी करना है बस ये वाला पॉइंट को बाद बाकी ये सब चीज जो बताए ना ये मोहमाया है और इस मोहमाया से हम लोग कहा है ऊपर है चलो आगे आगे देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अगला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में भी कुछ नहीं करना बस तो छोड़ दीजिए कुछ नहीं करना है तो हड़ाई ये सब पढ़ाई लिखाई जब कुछ करना ही नहीं है तब तो खाली झूठ के देखो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है ये कर्व है अच्छा ये कर्व का कौन सा पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट सर उधर रहेगा ना स्टार्टिंग कहीं भी हो सकता हम इधर ही लिखेंगे मन सर मन तो उधर से लिखेंगे लिख लिखे दो इसको बोलते हैं एंड पॉइंट एंड पॉइंट अब एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ बोलो टेंजेंसी ठीक है इसको हम लोग काची से रिप्रेजेंट करते हैं पीटी से अगर इसको सिर्फ ऐसा लिखा रहेगा यहां पे यहां पे ये यह लिखा रहेगा पीटी और ये लिखा रहेगा पी से अब समझ में आया तो हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे गंदा मत करो यही सही है ठीक है हाँ तो वही कह रहा, रहा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह रहा है जो इंडेड end होगा, होगा तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ठीक है इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं पी टी से पिछला क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है प्रोवाइड करा दीजिए ठीक है आज हो जाएगा चलिए सर सर कर्व गलत लिखे हैं कहाँ कर्व हम गलत लिखे हैं अच्छा यहां पे गलत लिखा गया है देख रहा है ना टाइपिंग एरर का के कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है।, है देख रहे हो ना चलो रितु गिना कितना बार हुआ अब देखो आगे हम लोग अगला जो टेक्निकल टर्म है वो कौन सा है लेंथ देखो अगला जो है आपका लेंथ ऑफ है देखिए बड़े ध्यान से इसी को समझिएगा ये हमारा क्या था कर्ब था, था कि नहीं इसको बोलेंगे पीसी और इसको क्या बोलेंगे पी टी अब यहां पे दो चीजें चीज नंबर फर्स्ट फर्स्ट और चीज सर, फर्स्ट और चीज नंबर सर सेकेंड मतलब क्या बताना चाह रहे हो आप इसको लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड बोलते हैं लेकिन हम ई वाला हम कर्व पाथ के लॉन्ग ये वाला को लेंथ को लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कर्व जब बचपन की याद थोड़ा करो तो कि लेंथ ऑफ कर्व को कैलकुलेट करने के लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला था आर्क लेंथ कैसे निकालते थे चाप की लंबाई हैं थीटा बटा 360 फलनाई आरस फलना थीटा बटा 360 टू पाई आर होता था ना नहीं गलती से अगर हम चाप की लंबाई बा, बात करें आर्क लेंथ निकालने की कोशिश करें और थ निकालने की कोशिश करें तो आप हमें निकालने में इसको मदद करेंगे क्या मदद करेंगे सर तो जितना सेंटर पर एंगल बनाता था जितना सेंट्रल एंगल रहता था वो थीटा को हम लिखते थे क्या लिखते थे थीटा बटा 360 सौ साठ इंटू टू पाई ऐसा हम लोग बचपन में पढ़ते थे अब पता नहीं कैसे आप लोग पढ़े हैं किसको काट छाट के भी पढ़े हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा थीटा बट्टा एक सौ अस्सी इंटू पाई आर या ऐसा भी पढ़ते हैं पाईआर थीटा बट्टा एक सौ अस्सी कैसे कैसे तू लोग पढ़ा है पाई आर थीटा बटा बट्टा जैसे मन करो वैसे आपका बेसिक जो चीजें हैं वो यही है यही बेसिक है तो इसको हम अच्छा से लिख देते हैं नहीं तो पता चलेगा कि आज पढ़ाए है स्वाहा तीन सौ साठ आप लोग को अगर इच्छा है तो हम बड़कार लिख दें तो कोई दिक्कत अगर हम बड़कार लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बड़का और ननका दुई को तो बातें होता है सर्वे में ठीक है और एक और ऐसे लिखते हैं एलापोन आर एक और होता है ना ऑर्कलेंथ एलापॉन नहीं एल नहीं 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 लेंथ बराबर होता है क्या थीटा बराबर एलापोन आर होता है ना थीटा बराबर क्या होता है एलापोन आर तो यहां से आप लेंथ निकाल सकते हैं एल थीटा इंटू आर करके तो ऐसे भी निकालेंगे जब रेडियन में डेटा रहेगा तब ठीक है जब डिग्री में डेटर रहेगा तो ये करेंगे अगर यहाँ पे भी आप इस जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग कैसे जानते हैं पाई रेडियन बराबर पाई रेडियन बराबर एक 180 डिग्री होता है ना नहीं पाई रेडियन बराबर क्या होता है एक डिग्री तो एक रेडियन बराबर निकाल सकते हैं उधर से आप लपेट के डिग्री में भी निकाल सकते हैं एक डिग्री बराबर तो ये कैसे भी कर सकते हैं बात की बात है एक न्यूमेरिकल्स आएगा फिलहाल तो हम ये समझेंगे कि लेंथ ऑफ कर्व किसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट होकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक जाता है एलोंग पाथ एक टर्म हम बोल रहे हैं क्या कर्व पाथ सीधे भी जा सकती है हम बोल रहे हैं एलोंग तब उसको क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ और सीधे सीधे चल जाएंगे तब लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड बहुत बढ़िया ठीक है महेश बहुत बढ़िया चलो तो हम ये बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ कर्व अगर आपसे पूछेगा तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और हम चीजें अंडरलाइन करा क्या करा एलॉन्ग टेंजेंसी एलोंग पाथ इज नोन एज लेंथ ऑफ कर्व ठीक है इट इज डिनोटेड बाई ननका हम बोले को चीजें होता है तो एलोंग नन इट इज डिनोटेड बाय ननका एल तो अगर हम ऐसा बोलेंगे ननका एल बराबर थीटा बट्टा तीन सौ साठ इंटू टू पाई आर ये आर क्या बता रहा है तो ये आर है रेडियस आगे चल के आर के भी बताएंगे बोलो कोनो को दिक्कत कोई समस्या कोई तकलीफ है तो बताओ नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं अगर कोई तकलीफ होगा तो बोलना सर पीछे करिए हम कुछ सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं अगर कोई तकलीफ नहीं है तो फिर हमरो कोई तकलीफ नहीं है सीधा बात अब हम अरे यार ये क्या हो गया रुक जाओ रुक जाओ भाई ये क्या है एक बार कॉपी करिए ये देते हैं है ना कायला हैकर है करेगा ये अगला दिन से ये हम पीपीटी अरेंज करके लाएंगे ठीक है दिक्कत हो जाता है ना अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा टेंजेंट की बहुत टेंजेंट टेंजेंट हम लोग चिल्ला रहे थे अब हम किसकी बात करेंगे थोड़ा सा टेंजेंट की सर तकलीफ़ होती है सर प्लीज़ पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा ठीक है हम समझ रहे हैं आपकी दुख भरी कहानी को आज तक कन्फर्म हो जाएगा ठीक है टेंशन नहीं लीजिए तक इतना दर्द भरा बात बोलते देखो हम भुला गए क्या बोलने वाले थे <laughs> चलो देखो ये वाला हमारा कर्ब हुआ हुआ ना इस कर्व का हम लोग बोल रहे हैं पीसी यानी पॉइंट ऑफ कर्वेचर इसको बोल रहे हैं पीटी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी याद रखना रितु हम बोले हैं दस बार बताएंगे हो गया अब आगे देखो यहां से जब आगे इसको बढ़ाएंगे तो इस वाले टेंजेंट यहां से भी एक टेंजेंट जाएगा जाएगा कि नहीं और एक टेंजेंट यहां से भी जाएगा अब जरा चीजों को समझने की कोशिश करोगे आप लोग कि ये वाला पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं अब बताओ इस वाले टेंजेंट को क्या बोलते हैं और इस वाले टेंजेंट को भी छोड़ दो लेकिन हम लोग जो स्टार्टिंग वाला टेंजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बैक टेंजेंट और बैक टेंजेंट को हम लोग प्यार से बड़का टी वन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो वही कह रहा है बैक टेंजेंट कहा से ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ करवेचर से ड्रॉ करते हैं और tangent previous of the curve. Curve के previous मतलब स्टार्टिंग इज कॉल्ड बैक टेंजेंट कर इट इज डिनोटेड बाई टीवन इसको हम बड़का टीवन से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट टेंजेंट इसी को एक और नाम से क्या जानते हैं टेंजेंट के नाम से जानते हैं बोलो क्लियर है समय से क्लास स्टार्ट करिए सर प्लीज अभी कॉलेज में ही है हम पहले ही सर को बोले हैं क्या तकलीफ है सूर्या सिविलियन समय से ही क्लास स्टार्ट हो रहा ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या फोर टेंजेंट फोर टेंजेंट देखो ये कोई कर्व है और इस कर्व को पॉइंट ऑफ कर्व बोलते हैं और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं और ये इस ये इसकी हो गई फर्स्ट टेंजेंट और ये इसकी हो गई लास्ट टेंजेंट बताओ ये वाला टेंजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे इस वाले को क्या बोलेंगे फोर फोर ठीक है ना और इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं टी टू से करते बोलो कोई तकलीफ वही कह रहा कि द टेंजेंट ड्रॉन एट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टुवर्ड द कर्व इज कॉल्ड फोर टेंजेंट इट इज डिनोटेड बाय टी टू बड़का टी ठीक है ना इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड टेंजेंट बोलो कोनो दिक्कत कोई समस्या कोई तकलीफ किन्हीं लोगों को है तो बोलिएगा कार्तिक भरदाज सर पीछे से करिए सर पीछे करिए लिखे नहीं है नहीं लिखना नहीं है पीडीएफ मिलेगा लिखना सख्त मना है हाँ हम बोलेंगे कॉलेज करिए हमरे से पूछ रहा कॉलेज नहीं करे सर आप ही बोलिए इतना गुस्सा में कहा है तुम बोलो नहीं नहीं तुम कॉलेज करो हम मना नहीं करेंगे तुमको सब लोग कॉलेज करेगा अटेंडेंस काट लेगा फॉर्म उम नहीं भरेगा तो दिखते हैं फिर आके बोलेगा अच्छा तुरंत प्रूफ दिखाएगा कि अच्छा सावन सर लाइव में बोले थे ये चीज बोलिए अब हम कैसे करें अगला जो हम लोग को बात है वो है क्या बात कौन सी बात है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज करिए कि ये क्या है सर ये बोर्ड है सर ये क्या है सर ये कर्व है ये क्या है कर्व है ये कर्व है ना और ये क्या कौन सा है अब बताओ ये यहां पे मिल रहा है इस वाले को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ ठीक है चलो सर मान लिया इसको अगर हम बोले दस बार हो गया पीसीएफ पीटी दस बार से ज्यादा बता दिए ना अभी देखो कितना बार बताएंगे ठीक है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको समझ आया गया द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बैक टेंजेंट एंड फोर टेंजेंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बैक टेंजेंट हुआ और ये कौन सा टेंजेंट हो गया प्यार से बोलो इसको क्या इसको भी तो प्यारे से ना बोलेगा नहीं तो गुस्सा हो जाएगा ना दोनों बराबर है तो किसी को प्यार में कमी नहीं करो इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टेक्स इसी को हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं इट इज डिनोटेड बाय लेटर भी बड़का भी से इसको डिनोट करते हैं सब लोग का मन है अगर अभी लिखने का तो हम अभी ही टाइम देंगे लेकिन अब आज की क्लास के बाद है सब लोग बोलिएगा हम तो आपके इच्छा के अनुसार हम चलेंगे ठीक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगले जो है टेंजेंट लेंथ देखिए थोड़ा सा आपका क्या है कर्व है यह क्या है कर्व है और ये जो कर्व है इस कर्व का क्या है इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट इसको भी क्या बोलेंगे तो टेंजेंट इसको बोलेंगे पीसी और इसको बोलेंगे पीटी इसको बोलेंगे भी यहां से यहां तक ये लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे ये जो लेंथ होगा इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे टेंजेंट लेंथ और यही वाला लेंथ को इसी को हम लोग क्या बोलेंगे टेंजेंट लेंथ यानी इसको हम बोलेंगे एल अगर पहला को बोले एल वन तो इसको बोलना होगा एल टू यही वाला को लेंथ को बोलेंगे क्या इतना लेंथ को हम क्या बोलेंगे टेंजेंट लेंथ अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ टेंजेंट लेंथ किसको कहते हैं तो या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स या इंटर सेक्शन दोनों को जो बीच का लेंथ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं टेंजेंट लेंथ बोल रहे हैं ठीक है कर देंगे कर देंगे ठीक है तो वही कह रहा कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ करवेचर और लिखे हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दोनों में से कोई यो लेंथ होगा पॉइंट ऑफ करवेचर भी होगा और या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा लेकिन एक चीज ध्यान देना चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आया या तो यहां से यहां लेंथ या तो यहां से दोनों में से कोई लेंथ को हम लोग बोलेंगे ये दोनों आपस में भी बराबर होगा किस केस में जब कर्व सिंपल सर्कुलर कर्व रहेगा ठीक है यस सर मान लिया इट इज डिनोटेड बाई नोट में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ बैक टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फोर टेंजेंट किस में इन सिंपल सर्कुलर कर्व बोलो ये चीज समझ आया इसका मतलब हम बोल सकते हैं एल वन इज इक्वल टू एल टू क्या बोलते हो है? सही है एकदम सही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या सिंपल सर्कुलर कर्व राज कौशल अभी कर रहे हैं। नमस्ते सर जी जब जागो तब है जब जागो तब सवेरा इतना जल्दी क्या है अब हम लोग कोड की बात करेंगे यही लास्ट टॉपिक शायद आज का रहेगा कोड कोड मतलब होता है देखो <laughs> अब हम लोग बात करेंगे कोड की और बड़े आराम आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कोड में ठीक है थोड़ा सा हम पानी पी लेते ना दो मिनट में पानी वानी आप लोग पी लीजिए ठीक है होगा चार बजे से क्लास लवकेश जी लिख रहे हैं जीवा अपना जलवा भी खेल रहे हैं कौन खुशी के पार्टी तुरा चाहिए प्रकाश पढ़ाई करो फल की चिंता मत करो एग्जाम दो रिजल्ट की चिंता मत करो देखो ये कर्व है ये क्या है इस कर्व का हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व और इसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्ड और इसी कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड इसको क्या बोलते हैं लेंथ लॉन्ग कोड लेकिन 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 नहीं छोड़ दो तो यहीं पर घसक नहीं रहा है एकदम बिहारी अंदाज में बैठे है अगर ये कोई कर्ब है और इस कर्ब का जो कोड है हम क्या बोल रहे हैं इस कर्व का जो कोड है अच्छा एक चीज बताओ इस कर्व में कितना कोड हो सकता है इस कर्व में कितना कोड हो सकता है तो सर हम बहुत मनी कोड ड्रा कर सकते हैं ड्रा कर सकते हैं कि नहीं अच्छा एक कर्व में कितना कोड ड्रा कर सकते हैं कोड मतलब होता है जीवा कितने कोड हम लोग ड्रा कर सकते हैं बहुत मनी ड्रा कर सकते सर इतना 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 बहुत मनी इनफाइनाइट कर सकते हैं ना कितना कितना लेंथ के ड्रा कर रहा है इस बात पर डिपेंड करता है यही ना यही ना हमने क्या बोला कि एक सर्किल या सर्कुलर आर्क में कितना को ड्रा कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि इतना 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 बहुत मनी बोल सकते हैं ना अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा कितना लंबा लंबा कितना छोटा छोटा कोड ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है हाँ चलो ये बात तो सर समझ में आ गया कि क्यों होता तो ये वाला सबसे बड़ा कोड है और किसी भी कर्व में एक ही सबसे बड़ा कोड होगा और उसको बोलते हैं वो कौन सा कोड होगा एक से बड़ा कोई कोड होगा क्या ए? अगर इससे भी बड़ा कोई कोड बना करके दिखा देगा इस कर्व में उसको एट ए टाइम नोवेल प्राइज का किया जाएगा और चार साल बाद उधार का इनाम दिया जाएगा उधार नोवेल प्राइज उसको दिया जाएगा ठीक है उधार नोवेल प्राइज दिया जाएगा बाबू यहाँ पे अभी थोड़ा सा बजट गड़बड़ा जाता है ठीक है ना उधार नोवेल प्राइज दिया जाएगा कुछ कर दो अलगे रंगत है तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई कर्व है अगर इस कर्व में एक ऐसा कोड बनाए जिस कोड का लेंथ एक चेन हो, एक ऐसा कोड कर्व है इसको बोलते है कौन सा कर्व इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं अगर इस कर्व में कोई ऐसा कोड बनाए क्या बोले हम कोई ऐसा कोड बनाए इस कोड का अगर लेंथ अगर इस कोड का लेंथ एक चेन के बराबर हो जाए कितना के बराबर एक चेन के बराबर हो जाए तो इस कोड को बोलते हैं नॉर्मल कोड क्या बोलते हैं नॉर्मल कोड अगर आपसे कोई सवाल कहेगा कि बताओ नॉर्मल कोड तो सीधा सीधी बोलना द कोड हुज लेंथ इज इक्वल टू वन चेन लेंथ अगर एक चेन लेंथ के बराबर उस कोड का लेंथ होगा तो उस कोड को क्या बोलेंगे नॉर्मल कोड बात तो फिर दिक्कत आया सर एक चेन कौन सा चेन यूज कर रहे हैं मैट्रिक चेन यूज अगर कर रहे हैं तो 20 मीटर वाला कि तीस मीटर वाला तो जवाब आपको आएगा कुछ वाला ले लीजिए सर 20 मीटर वाला रहेगा तो एक कोड का नॉर्मल कोड का लेंथ 20 मीटर होगा और 30 मीटर वाले लेंगे तो नॉर्मल कोड का लेंथ कितना होगा 30 मीटर होगा हम इस बात छोड़ दो हमारा बात किससे आती है चेन से आती है किससे आती है हमारा चेन से आती है ठीक है ना तो एक चेन का लेंथ अगर किसी भी ऑर्क में अगर उसका कोड अगर ड्रॉ कर रहे हैं अगर उस कोड की लेंथ एक चेन के बराबर आ जाएगा तो उस कोड को बोलेंगे नॉर्मल चेन क्लियर और सबसे बड़ा कोड को क्या बोलेंगे लॉन्ग कोड चलो ये बात तो सर दो बात तो अब समझा दिया अब रहा बात नंबर तीसरा अब बात नंबर तीसरा की ओर मूव करते हैं ये कोई कर्व है चलो सर हमने स्टार्ट करा हमने यहां से नापना स्टार्ट करा एक चेन दो चेन तीन चेन चार चेन पांच चेन रुक जाओ रुक जाओ चेन में टूट जा रहा है इधर उधर चेन भाग रहा है पांच चेन छह चेन हम हम बड़े आराम से चीज को समझना होता है बाबू अकवकाने का नहीं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस चीज को बोलो पी इसको क्या बोलते हैं पी सर ओकरा में घुसा दिए ए रुको हटाओ इसको यहाँ से ना तो ओवरऑल कंफ्यूजन हो जाएगा हुआ कि नहीं इक्वल टू जहर फील होगा फिर इसको हम लोग बोलते हैं पी अरे 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 अरे, अरे। भागेगा तुम इधर उधर पीटी अब जरा बताओ इस चे इस, इस कोड को कौन सा कोड बोलेंगे यहां से यहां नापे एक चेन थी। इसको कौन सा कोड बोलेंगे नॉर्मल कोड इसको कौन सा कोड बोलेंगे बोलो कौन सा कोड बोलेंगे नॉर्मल कोड इसको कौन सा कोड बोलेंगे नॉर्मल देखो यहाँ पे चोर लिखा गया है ठीक है ना? <laughs> चलो हो जाता है अरे देखो, देखो 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 अभी देखो एरर हो गया? ये वाला देख रहा अपन रास्ता से भटक रहा अब समझ आया हो गया ना सही पीटी को थोड़ा सा ऊपर करो ये हो गया क्या पीटी अब जरा बताओ ये वाला कौन सा कोड होगा लेकिन एक बात नहीं समझ में आया कर्व के अंदर जो ये वाला कोड है यहां से यहां तक लेंथ और ई वाला कोड है इस कोड को हम लोग क्या बोलेंगे जो आधा अधूरा कोड है पार्शियल लेंथ का कोड है यानी एक चिन्ह से लेंथ उसका कम है उस कोड को क्या बोलेंगे अरे ये सब तो मान रहा है कि पूरा चेन का लेंथ होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग नॉर्मल कोड जो सबसे बड़ा रहेगा उसका लॉन्ग कोड लेकिन तनिका तनिका कोड वाला कच्ची बोलेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार से सब कोड क्या बोलेंगे सब कोड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सब कोड इसका मतलब इसका मतलब हम लोग तीन चीज सीखे इसका मतलब हम लोग बात कितना सीखे तीन बात जो आपकी जिंदगी को बदल देगा ऐसे ही ना होता है एक होता है लॉन्ग कोड लॉन्ग कोड मतलब पीसी से पीटी एक होता है नॉर्मल कोड नॉर्मल कोड नॉर्मल कोड मतलब एक चेन लेंथ और एक होता है सबकोड सब कोड मतलब लेस देन वन चैन लेंथ बोलो कोई के तकलीफ अरे अगर एक से ज्यादा होगा तो पहले एक नाप लेंगे उकर बाद आधा कर देंगे तोरण रन प्रकाश जी अगर एक से ज्यादा हो जाए एक डायरेक्ट यहाँ से कैसे नापेंगे अरे एक के चेन बराबर नहीं एक बार में नापेंगे तो सर लॉन्ग कोड कैसे नापे अरे लॉन्ग कोड की दूसरी कहानी यहाँ पे भी तो चेन कर नापेंगे होंगे ना सबसे लंबा है वो एक स्पेशल है ये बाद बाकी नॉर्मल और सब कोड की कहानी अलग है ठीक है प्रकाश सर जो पॉइंट ऑफ कर्व से चेनिंग करेंगे तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टेंजेंट तरफ खाली खाली सब कोड होगा हाँ तो सब कोड देखो हम काम एग्जेक्टली exactly जहां पे करना होता वहां से नहीं स्टार्ट करते हैं हम उसके पहले से स्टार्ट करते हैं अगर गाड़ी हमको 40 के स्पीड में चलाना है तो डायरेक्ट 40 के स्पीड में नहीं चलता है पहले जीरो से स्टार्ट होकर के पाँच जाता है दस जाता है 20 जाता है तब जाकर के चालीस के स्पीड में आता है ऐसा होता है क्या सर आपका बात ही कभी ना कभी गलत हम करेंगे डायरेक्ट चालीस के स्पीड में गाड़ी चलाएंगे देख लीजिएगा आप YouTube के शॉर्ट्स में कभी महेश करें सर एक तकलीफ है बहुत स्लो स्लो पढ़ाते हैं अच्छा ये दुख काहे खत्म नहीं होता बताओ वीडियो को फास्ट मोड में देखिएगा कुछ लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं ठीक है तो सब स्टूडेंट को थोड़ा ध्यान में रखना होता है भाव चलो उम्मीद है ये सब चीज़ आप लोग को समझ आ गया इतना चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया तो वही है लॉन्ग कोड नॉर्मल कोड और सब कोड लॉन्ग कोड आपको समझ आ गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल ठीक है चलो ये चीज़ आप लोग को समझ आया दूसरा चीज़ आप लोग को समझ आएगा इसके बाद थोड़ा सा हम पीपीटी लाते हैं बस दो स्लाइड और पढ़ाएंगे उसके बाद कोड के बारे में विशेष चर्चा अगले क्लास में करेंगे क्या बोल रहा अभी कोड बहुत लंबा है कोड से क्वेश्चन एकदम खतरनाक खतरनाक पूछता है ठीक है ना कंपटीशन में कोड के क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कराएंगे दस, दस सेकेंड में बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेगा को कोड का टेंशन तो कह ले रहा यहीं तक आज लास्ट रहेगा ठीक है थीके? आपकी लास्ट यहीं तक क्लास रहेगा देखो यहां तक तो हो गया ना देखो नॉर्मल कोड अगर कोई इस दरे दरे दरे। अगर ये कोई कर्व है और इस कर्व में अगर कोई भी कोड का लेंथ अगर एक चेन के बराबर हो गया एक चेन के बराबर हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मल कोड ठीक है और थोड़ा फास्ट कर दे क्या फिर दिक्कत होगा ठीक है ना? नॉर्मल कोड कह रहा कि एक, एक चीज हमने बताया था जब चेन सर्वेइंग पढ़ा रहे थे कि जहां पे हमारा चेन का लेंथ खत्म होता है वहां पे हम लोग पेग या एरो इंसर्ट करते थे करते थे कि नहीं तो जब पेग इंटरवल आपको कहीं पे दिया रहे क्या दिया रहे पेग इंटरवल अगर आप लोगों कहीं पे दिया रहे तो आपको समझना है कि वो दे रखा है, है? है, मतलब है वो कितना मीटर का है बीस मीटर या चेन यूज किया गया है अगर पेग इंटरवल तीस मीटर दिया हुआ है इसका मतलब जो चेन यूज किया गया है वो कितना मीटर का चेन मतलब यूज किया गया है तीस मीटर या चेन यूज किया गया है ठीक हा तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है इट इज डिनोटेड बाई सी लेंथ ऑफ नॉर्मल कोड इज इक्वल टू वन चेन लेंथ मतलब आपकी दो बात होनी चाहिए या तो आपकी चेन बीस मीटर की हो सकती है या तो आपकी चेन तीस मीटर की हो सकती है ठीक है हाँ ठीक है अगले बार से क्लास में ही नोट्स कराएंगे आप लोग टेंशन क्यों लेते हो एक होता है सब कोड अच्छा जरा बताओ हम ये सब कोड को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं देखो तीन चीज हम समझाने की कोशिश करते हैं एक ऐसा करें ना तीन चीज यहीं समझ समझा सम, दें एक दो और एक तीन ये कर्व है ये कर्व है, है ये भी क्या है बड़े आराम से कर ठीक है ना हमने काम यहां से नापना स्टार्ट किया एक रे हमने नापना यहां से स्टार्ट किया एक चेन दो चेन तीन चेन चार चेन जा रहे अच्छा से लगना चाहिए कि चेन नाप रहा एक चेन दो चेन तीन चैन चार चेन पांच चेन ये हो गया हो सकता है कि हम यहीं से काम स्टार्ट कर दिए एक चेन दो चेन तीन चेन चार चेन हो सकता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया एक चेन दो चेन तीन चेन बड़ा आराम से समझना अब आपको बताना है कि इस वाले फिगर में इस वाले फिगर में, में यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है इस वाले फिगर में यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कर्व खत्म हो रहा है इस वाले फिगर में यहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि फिगर फर्स्ट में कितना नॉर्मल चेन नॉर्मल कोड है फिगर सेकेंड में कितना नॉर्मल कोड है और फिगर थर्ड में कितना नॉर्मल कोड है तो जो भी नॉर्मल कोड ये कंसीडर करते हैं वो कर्व के अंदर की बात करते हैं कहा वैल्यू है? की की, की की नहीं होती तो बताओ कर्व के अंदर कितने नॉर्मल कोड है तीनों फिगर में तो हम बोलेंगे सर एक और दो इसमें फिगर फर्स्ट में दो नॉर्मल कोड है कितना है दो नॉर्मल कोड है फिगर सेकंड सेकेंड में क्या गो है एक दो तीन नॉर्मल कोड है और फिगर थ्री में कितना है एक दो तीन नॉर्मल कोड है कितना नॉर्मल कोड है थ्री नॉर्मल कोड है अब एक जर बताओ यहाँ पे कितना सब कोड है आधा अधूरा एगो और एगो इसमें सब कोड एस कितना है तो सर दो सब कोड है कितना है दो एस है इसमें कितना एस सी है सिर्फ एक है यानी एक एस सी है इसमें कितना एस सी है सर एस सी है ही नहीं है यानी इसमें जीरो एस सी है कितना एस सी है सर जीरो एस सी है सबकोड है ही नहीं अब जरा चीजों को सोचो कि कम से कम कम से कम किसी कर्व में कितना कितना सब कोड होगा सर होगा ही नहीं कम से कम कितना कोड होगा तो सर होगा ही नहीं मतलब जीरो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा दो होगा तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब कोड किसी भी कर्म में कितना हो सकता है और मिनिमम नंबर ऑफ सब कोड किसी भी कोड में कितना हो सकता है नहीं भी हो सकता यानी जीरो दो चीज सिखाने के लिए इतना हमने प्रैक्टिस कराया ठीक है कह रहा है कि लेंथ ऑफ कोड इज लेस देन वन चेन सब कोड के लेंथ कितना के छोटा होता है कह रहा कि द कोड हुज लेंथ इज लेस देन नॉर्मल कोड इज नोन एज सब कोड अब बोलो सब कोड आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बोलो क्लियर है कि नहीं अगर थोड़ा सा भी कर्व से बाहर निकल जाएगा तो जा। सब कोड ना होगा रे तनी तनी सा भी भैया क्या होगा सब कोड होगा क्या तुम लव लवकेश चलो आज के सेशन को यहीं पर रहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ठीक है अगले क्लास में आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अभी बहुत अच्छे से हम आराम आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे जैसे ही एडमिशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब तो हम लोग रफ्तार में आएंगे अभी थोड़ा सा पैसेंस रखिए धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग में पढ़ना सीखिए कोढ़ी क्यों नाम पड़ा ये तो हमें भी पता नहीं है बता देगा तो सही है रहेगा है। ये तो हमें भी पता नहीं भाई कोढ़ी क्यों नाम पड़ा ठीक है हो जाएगा